प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरसीएमपी वालों सिख अते मुस्लिम पुलिस अफसरां नूं दाढ़ी दे कारण फ्रंट लाइन तो हटाउण दी कारवाई ते निराशा जाहर करदिआं कहा है कि आरसीएमपी वालों अजिहा फैसला नहीं सी लिया जाणा चाहीदा। उन्हां कहा है कि उन्हां नूं दुख है कि आस है कि आरसीएमपी इस विच सोध जरूर करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सेहत अते सुरक्षा संबंधी रेगुलेशन बेहद जरूरी ने अते देश दीआं सारीआं काम वालीआं थावां ते इस दी पालना होनी चाहीदी है अते बहुत सारीआं संस्थावां कर्मचारियों नाल बिना कोई पक्षपात किए ही सेहत निर्देशों की पालना सफलता नाल कर रही ने, पर आरसीएमपी के इस फैसले बारे सुन के उन्होंने निराशा हुई है क्योंकि कई होर पुलिस फोर्सेज अते संगठन विच अजिहा नहीं होया। उन्हें कहा कि जरूरत यह है कि सुरक्षा के म्यारा नूं बरकरार रखने समय किसी व्यक्ति विशेष नाल उसके धर्म के कारण वितकरा ना हो। पब्लिक सेफ्टी मंत्री बिल ब्लेयर ने भी इस नीति की निखेधी करदिया कहा है कि इस नूं बदलन की जरूरत है। उन्होंने दफ्तर वालों जारी एक बयान में कहा गया कि सारे अधिकारियों नूं अपनी निश्चा की पालना करदिया भाईचारे की सेवा करने लई बराबर का मौका दिता जाना चाहिए है। उन्होंने धर्म के आधार से वितकरे का अनुभव नहीं होना चाहिए। आरसीएमपी नूं चाहिए है कि सिख अधिकारियों नूं समय सिर लोड़ींदे निजी सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए जाण। उन्होंने मामला आरसीएमपी को उठाया है तो उम्मीद की है कि इसनूं जल्दी तो जल्दी ठीक भी किया जाएगा। बीसी के सूबाई सेहत अफसर डॉक्टर बोनी हैनरी ने भी स्पष्ट किया है कि ज़्यादातर लॉ इनफोर्समेंट अफसर के लिए N95 किस्म के मास्क पहनने की लोड़ नहीं है। वैनकूवर पुलिस विभाग अजिहा नहीं है तो ना ही टोरंटो कैलगरी और मॉन्ट्रियल में पुलिस फोर्सेस दियां अजिहा नीतियां ने, पर आरसीएमपी का कहना है कि यह होर पुलिस बलों नालों वखरा है क्योंकि कैनेडा लेबर कोड और कैनेडा ऑक्यूपेशनल हैल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन की पालना करने लिए पाबंद है। इस N95 के मास्क की सही वरतों लिए साफ चेहरे की जरूरत। आरसीएमपी के बुलारे CPL कैरोलीन दोवाल ने कहा है कि मौजूदा कानून अधीन निजी सुरक्षा उपकरण संबंधी नियमों को बदलने के लिए उन्होंने कोई अधिकार ही नहीं है।